फिर ज्वाइन कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ सर हम पढ़ाई तो करते हैं बट पढ़ाई हमारी बड़ी डिस्ट्रेक्टेड है, डिसकंटिन्यूअस पढ़ाई है। आज पढ़ ली है, दो दिन फिर उसके बाद में लेक्चर नहीं अटेंड किया। अरे मुझे तू कौन से चैप्टर पे, बोले सर मैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हूँ। समझ में? ऑनलाइन में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको खुद कंट्रोल करनी है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। यानी कि अगर मैं सोचता रहूं कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, साक्षात सरस्वती माँ आएगी, वो मैथ्स पढ़ाएगी, वो फिजिक्स पढ़ाएगी, वो केमिस्ट्री पढ़ाएगी, और मेरे खोपड़ी में अचानक उनके हाथ से रोशनी निकलेगी और मेरी खोपड़ी में सब कुछ बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। करने वाला हूँ आज। तो पहले तो यार ये बताओ, क्या जो सोचा था आपने अपनी लाइफ में कि भाई अब से मैं 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अब से हफ्ते में मैं 50 घंटे पढ़ूंगा, अगले 2 महीने में मेरे को इतना सिलेबस कम्प्लीट करना है, प्री बोर्ड से पहले मेरा इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, क्या वो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है? ठीक है, एक वीडियो मैंने डाला था कि अगर यार आपको टॉपर बनना है तो लाइफ में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला आपका रूटीन और दूसरा रिविजन। रूटीन आपका टाइम टेबल से बनेगा और रिविजन से आपका रिटेंशन बढ़ेगा। अगर वो वीडियो देखा था तो क्या वो सारी चीजें हो रही हैं रियल लाइफ में, या सिर्फ एक दिन के लिए वो 5 मिनट के लिए अच्छा सा लगा और उसके बाद भूल गए? और अगर नहीं हो रही है तो यार क्यों नहीं हो रही है? वो क्वेश्चन पूछना जरूरी है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना जरूरी है। हमारी यार आजकल एक नेचर हो गई है सबकी सोसाइटी में ब्लेम करना, किसी पे भी ब्लेम कर देंगे भाई, मैं इस चीज की वजह से नहीं कर पाया, मैं इस चीज की वजह से नहीं, मेरा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है इसलिए नहीं कर पाया, मैं तो अपना पैशन ढूंढने चला गया था यार 11th 12th में इसलिए नहीं कर पाया। बहुत सुपर सुपर रीजन है यार। आज के दिन हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि हम अपना यार कोई भी आदमी घर में बैठा बैठा पढ़ सकता है, सारी चीजें अवेलेबल है। आज पढ़ ली है, 2 दिन फिर उसके बाद में लेक्चर नहीं अटेंड किया। मैंने बोला तू कौन से चैप्टर पे, बोले सर मैं तो ट्रिग्नोमेट्री। ऑनलाइन में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको खुद कंट्रोल करनी है, और इसी वजह से ये लाइफ क्लास चल रही है। आपकी सीनियरिटी आपकी रेगुलरिटी आपको रोज अटेंड करना पड़ेगा बेटा, रोज। तुम जस्ट इमेजिन द थिंग, अगर यही क्लास ऑफलाइन की चल रही होती और तुमसे मोटे जाड़े पैसे लिए होते तो तुम्हें घर वाले धक्के मार के निकालते कि जाओ पहले क्लास अटेंड करो, आज क्लास नहीं।